जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे ज्योग्राफी पर बेस्ड, और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो मैं यहीं पे क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके लिए एक पूरा लेक्चर लगता है आधे घंटे का, तो उसके लिए हम सेपरेट ज्योग्राफी जब कोर्स शुरू करेंगे उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो अगर आप चाहते हो मैं ज्योग्राफी कोर्स लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो भी मैसेज कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब काफ़ी मैसेजेस आते हैं इसलिए रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू वाटर वेपर। अब वाटर वेपर के बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। पहला स्टेटमेंट आता है, वाटर वेपर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड एंड डिक्रीजेस अपवर्ड फ्रॉम सी लेवल। दूसरा आता है, वाटर वेपर इज क्लाइमेटिकली इंपॉर्टेंट एज इट इज बोथ अ ग्रीन हाउस गैस एंड अ ओजोन डिप्लीटिंग गैस। तीसरा आता है, वाटर वेपर इज ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस बट नॉट सो ट्रांसपेरेंट फॉर आउटगोइंग शॉर्ट वेव रेडिएशंस। तो आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पर पहचानना है, नॉट करेक्ट। तो गलत स्टेटमेंट कौन से हैं? तो यहाँ पर तीनों जो है वो बिल्कुल गलत है। अब कैसे? तो आप पहला स्टेटमेंट देखिए, वाटर वेपर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड साइड। लेकिन ये जो है ये चीज़ गलत है। इक्वेटर साइड में ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोलवर्ड साइड। अब अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि इक्वेटर साइड जो है, इक्वेटर साइड ज़्यादा गर्म होता है, ये तो कॉमन फिनोमेना है, सभी को पता होगा। इक्वेटर साइड ज़्यादा गर्म होता है, पोलवर्ड साइड कम गर्म होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली परपेंडिकुलर सन के रेडिएशंस इक्वेटर पर गिरते हैं, उस वजह से इक्वेटर ज़्यादा गर्म होता है। पोलवर्ड साइड में इंक्लिनेशन होता है, काफ़ी जगह पर तो सूरज की रोशनी पहुँचती भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है और वो ज़्यादा ठंडा होता है। अब लोगों को इस तरीके से लग सकता है, आप लोगों को इस तरीके से लग सकता है कि इक्वेटर साइड ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा वहाँ पर वाटर वेपर जो है वो तो कम रहेंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन होता इस तरीके से है, अगर आप इस तरीके से देखोगे, हम इक्वेटर साइड का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन हो रहा है, ऊपर जाकर वो जो इवेपोरेटेड वाटर वेपर्स है वो कंडेंस हो रहे हैं और बारिश हो रही है। ये कॉमन फिनोमिना है रोज़ का, इक्वेटर साइड का। मतलब दोपहर भर वहाँ पर गर्म होता है, इवेपोरेशन होता है, फिर 4 बजे के आसपास बादल बरसने लगते हैं। तो इस तरीके से कॉमन फिनोमिना है। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहने की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है उस वजह से वहाँ पर वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन पोलवर्ड साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इवेपोरेशन की कोई स्कोप ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर वाटर वेपर जो है वो काफ़ी कम होते हैं अगर हम इक्वेटर साइड का देखेंगे तो। इसलिए जैसे जैसे हम इक्वेटर साइड से पोलवर्ड साइड में जाते हैं तो वाटर वेपर जो है वो कम होते जाते हैं। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर इक्वेटर साइड, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा इवेपोरेशन, तो इसलिए ज़्यादा वाटर वेपर्स। लेकिन पोलवर्ड साइड कम टेम्परेचर, कम इवेपोरेशन, कम वाटर वेपर। तो ये फिनोमिना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आता है, वाटर वेपर इज क्लाइमेटिकली इंपॉर्टेंट एज इट इज बोथ ग्रीन हाउस गैस एंड ओजोन डिप्लीटिंग गैस। अब लॉजिकली आप सोचिए कि अगर ये ओजोन डिप्लीटिंग गैस होती है, ठीक है, वाटर वेपर से अगर ओजोन जो है वो डिप्लीट होता, तो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके लिए कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें तो पूरे जो ओशन से उसे ढकना पड़ता अगर हमें ओजोन को बचाना है तो। बराबर है? तो इसलिए यहाँ पर वाटर वेपर जो है वो ओजोन डिप्लीशन में बिल्कुल काम नहीं करते हैं। अभी तक तो फिर ओजोन डिप्लीट हो भी जाता क्योंकि इतना सारा पानी है यहाँ पर हमारे धरती पर, तो वाटर वेपर जो है कितने सारे हैं, तो उस वजह से अगर ओजोन डिप्लीट होना रहता तो अभी तक तो ओजोन डिप्लीट भी हो जाता पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन में वाटर वेपर काम नहीं करता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर ज़रूर है। तो इस तरीके का भी अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेस, काफ़ी बार यूपीएससी ने पूछा है विच आर द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें काफ़ी सारे जो गैसेस है वो देते हैं, उसके साथ वाटर वेपर भी देते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि वाटर वेपर जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि जो भी सन से रेडिएशंस आते हैं उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो भी जब रिफ्लेक्ट होती है सन रेज अर्थ से, अर्थ जब रिफ्लेक्ट करती है सन की रेज, तो उसके लिए वो ओपेक होता है। ग्रीन हाउस गैस का काम यही है, जो भी सन से रेडिएशंस आ रहे हैं धरती की तरफ उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हार्मफुल गैस, हार्मफुल जो होते हैं वो सब स्कैटर करके। लेकिन जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है सन की रेज, उसके लिए वो ओपेक होते हैं। बराबर है? तो इसलिए अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, वाटर वेपर इज ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस बट नॉट सो ट्रांसपेरेंट फॉर आउटगोइंग शॉर्ट वेव रेडिएशंस।
अब यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे तो आपको सही लग रहा होगा कि थर्ड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये क्यों गलत है? क्योंकि जो सन से रेडिएशंस आते हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होते हैं, ना कि लॉन्ग वेव रेडिएशंस। इनकमिंग रेडिएशंस शॉर्ट वेव रेडिएशंस होते हैं और जो आउट गोइंग होते हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं। यहाँ पर उल्टा किया हुआ है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो सन की रेज है ये जो नीचे आ रही है, ठीक है, धरती पर आ रही है, वो शॉर्ट वेव्स होती है, छोटी छोटी होती है, ठीक है, शॉर्ट वेव्स रेडिएशन हो रही है। अब आपको अगर याद रखना है, एक ट्रिक के जरिए याद रखना है, तो ये क्या हो रही है, सन से जब इधर आ रही है तो पैदा हो रही है, पैदा हो रही है इसलिए छोटी छोटी है, ठीक है, छोटी छोटी है, पैदा हुई है इसलिए धरती पर आ रही है, तो छोटी छोटी रेडिएशन है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है। अब धरती पर आ गई, धरती से जब रिफ्लेक्ट हो रही है मतलब मैच्योर्ड हो गई, बड़ी हो गई, इसलिए लॉन्ग वेव रेडिएशन। जब वापस जा रही है धरती, जब रिफ्लेक्ट कर रही है इसे, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन है। उसके लिए ये जो वाटर वेपर होते हैं ओपेक होते हैं, जब ये धरती से ऊपर जाती है तभी हमारे जो धरती है उसमें हीट बरकरार रहती है। अगर ये ओपेक नहीं होती, अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, सारी की सारी रेडिएशन जो है अगर वो एटमोसफियर स्पेस में फिर से चली जाती, ठीक है, तो क्या होता, हमारी जो धरती है शाम को एक पूरी तरीके से ठंडी हो जाती थी, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ओपेक होते हैं जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होती है उसके लिए, तब जाकर ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस बाहर नहीं जा पाती और यहाँ पर हीट जो है हमारी धरती पर बरकरार रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वाटर वेपर, इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी हमने देख लिया। वाटर वेपर जो है डिपेंड होता है ऑन टेम्परेचर एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड साइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर वेपर इज ओनली ग्रीन हाउस गैस एंड नॉट ओजोन डिप्लेटिंग गैस। फिर इनकमिंग वेव्स आर शॉर्ट वेव्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। अब यूपीएससी में काफ़ी बार ये पूछा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मेजोस्फीयर, क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या करते हैं वो सब। अब स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में आपको बताना है, पहला कौन सा आता है, ट्रोपोस्फीयर आता है, बाद में स्ट्रेटोस्फीयर आता है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द हाइट इन दिस लेयर। दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर इज डिवॉइड ऑफ एनी वेदर फिनोमिना एज देयर इज नो सर्कुलेशन ऑफ विंड्स। तीसरा आता है अनलाइक द ट्रोपोस्फीयर दिस लेयर इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टाइम इन द बायोस्फीयरिक इकोसिस्टम। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका जवाब रहेगा वन ओनली। अब पहला क्यों गलत है, अब हम अगर देखेंगे तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडा लगने लगता है हमें, बराबर है। अब हम सपोज एकदम ग्राउंड लेवल पर है तो वहाँ पर ज़्यादा गर्म लगेगा, धुपकाला। धुपकाले में क्या होता है, हम हिल स्टेशन पर जाने की बात करते हैं। हिल स्टेशन मतलब क्या है, जो ज़्यादा ऊपर हो, बराबर है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडा होते जाता है। हिमालय पर जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा हमें, वहाँ तो बर्फ़ जमी रहेगी। तो इस तरीके से जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ठंडा होते जाता है, लेकिन इसने तो उल्टा बोला है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द हाइट, मतलब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो हाँ, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अब क्यों होता है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, और ये जो आप ब्लू देख रहे हो ये है ट्रोपोपॉज, मतलब ट्रोपोस्पियर, आप समझ लीजिए ट्रोपोस्पियर की बाउंड्री। इसके ऊपर शुरू होता है स्ट्रेटोस्पियर, ये है पूरा स्ट्रेटोस्पियर, इसके ऊपर भी स्ट्रेटोस्पियर है, ये पूरा स्ट्रेटोस्पियर है, इसके बीच में ये ओजोन है, ठीक है, ये ओजोन लेयर है। अब पहले हम ट्रोपोस्पियर जो है उसका थोड़ा फिनोमिना समझते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ताकि अगर ट्रोपोस्पियर के बारे में एग्जाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आप पोलवर्ड साइड देखोगे, ये पोल है, ये इक्वेटर है, तो पोलवर्ड साइड अगर आप देखोगे तो जो लेयर है ट्रोपोस्पियर की वो नीचे होती है, मतलब पोल्स के पास होती है, अर्थ के पास होती है। लेकिन अगर आप इक्वेटर साइड में देखोगे तो दूर होती है, मतलब नीचे से पोलवर्ड साइड से अगर आप ट्रोपोस्फीयर की ये वाली जो लेयर है इसका डिस्टेंस देखोगे तो 8 किलोमीटर के आसपास ही होता है, अगर इधर देखोगे तो 15 से 18 किलोमीटर के आसपास होता है। अब ऐसा क्यों, तो इसके तीन रीजंस है। एक रीज़न जो है वो ऐसा है कि वो सभी को पता होता है, मतलब वो हो गई जनरलाइज पढ़ाई, जैसा होता है ना कि अब यूपीएससी में क्या करते हो, यूपीएससी में अगर दो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो आपको दो स्टेटमेंट जो है वो पता होते हैं, एक स्टेटमेंट पता नहीं होता है, मतलब आप दो ऑप्शन जो है वो इलिमिनेट कर देते हो, लेकिन दो ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन होता है कि दो में से कौन सा है, और उसमें से आप बराबर जो गलत वाला है वो मार्क करके आ जाते हो ऑन लाइटर नोट। तो यहाँ पर तो जनरलाइज पढ़ाई में एक जो क्राइटेरिया है वो पता होता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि तीन रीजन्स हैं, पर्टिकुलरली मोस्टली तीन रीजन्स हैं।
अब तीन रीजंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला रीजन, सबसे कॉमन रीजन जो सबको पता होता है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर इक्वेटर साइड जो होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, पोलवर्ड साइड जो है वो ठंडी होती है। तो यहाँ की जो एयर है उसे वो ज़्यादा गर्म रहेगी, अगर उसे ठंडा होना है तो उसे ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर तक का कवर करना पड़ेगा, बराबर है? क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो गर्म है, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो ठंडी होती जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ की लेयर, बराबर है? यहाँ की एयर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी की पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी। लेकिन पोलवर्ड साइड में क्या होता है, ऑलरेडी एयर जो है वो ठंडी है, इसलिए उसे पूरा ठंडा होने के लिए थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसलिए यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, यहाँ का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम दूसरे फैक्टर पर। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब होता है कि जो भी चीज़ इसी गोल घूम रही है तो वो जो भी चीज़ें हैं उससे कनेक्टेड उससे बाहर फेंकेगी, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, बाहर फेंकेगी तो उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब आप वो झूले में बैठे होंगे, जो वो बीच में एक रॉड होता है उसके बाजू में ऐसे खड़े रहने की जगह होती है और वो गोल घूमता है जोर जोर से, जोर जोर से गोल घूमता है। तो अगर आप वो पोल, जो एक पोल है, स्टेशनरी पोल है, अगर आप उस पर खड़े रहोगे तो आप कहीं बाहर फेंके नहीं जाओगे, लेकिन आप वो जो प्लेट होती है खड़े रहने की, अगर जितना दूर आप प्लेट पर खड़े रहोगे उतना ज़्यादा आप पे फोर्स लगेगा बाहर फेंके जाने का, बराबर है? आपने महसूस किया होगा वो। तो वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यहाँ पर इफेक्ट करता है। अब सबसे ज़्यादा अगर आप सेंटर देखोगे अर्थ का, अर्थ के सेंटर से ज़्यादा दूर क्या है, इक्वेटर ज़्यादा दूर है या पोल ज़्यादा दूर है? अर्थ जो है हमारी पूरी स्पीयर नहीं है ना, वो तो बल्ज है, तो बल्ज है मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा है, सेंटर जो अर्थ का सेंटर है उससे हमारा इक्वेटर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर है एज़ कम्पेयर टू पोल, मतलब हमारे सेंटर से पोल का डिस्टेंस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सेंटर से अर्थ जो इक्वेटर है उसका डिस्टेंस। इतनी बात आपको पता होगी, ये तो फैक्ट है। इसलिए क्या होता है, अगर आप इक्वेटर पर हो, इक्वेटर पर हो मतलब आप ज़्यादा दूर फेंके जा रहे हो जाओगे एज़ कम्पेयर टू पोल, क्योंकि पोल मतलब क्या हो रहा है, पोल पर ज़्यादा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बराबर है? जैसा हमने देखा था, मैंने अभी आपको एग्जांपल जो बताया वो झूले का, तो इस तरीके से पोल पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, लेकिन इक्वेटर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इक्वेटर के पास जो भी चीज़ें होगी वो ज़्यादा दूर तक फेंकी जाएगी एज़ कम्पेयर टू पोल, इसलिए जो एटमोसफियर होता है, जो भी एयर होती है, वो ज़्यादा दूर फेंकी जाती है इक्वेटर साइड में एज़ कम्पेयर टू पोल, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पोल। पोल पर ज़्यादा दूर फेंकी नहीं जाती है, इसलिए पोल पे, पोल का जो डिस्टेंस होता है ट्रोपोस्फियर का, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, दूसरा फिनोमिना। अब तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर ये है ग्रेविटेशनल पुल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपका जो वेट है वो कहाँ आपको ज़्यादा महसूस होगा, इक्वेटर पर अगर आप खड़े रहते हो तो ज़्यादा लगेगा आपका वेट, या फिर पोल पर आप खड़े रहते हो तो ज़्यादा लगेगा? अब आप बोलोगे कि हम अर्थ पर ही खड़े हैं तो वहाँ पर हमारा तो वेट हर जगह सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिफरेंट होती है इक्वेटर पर और पोल पर। अब वो किस तरीके से होता है, तो अगर आप देखोगे, मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस जो होता है अर्थ का सेंटर ऑफ द अर्थ का इक्वेटर से वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेंटर ऑफ द अर्थ टू पोल, मतलब कम डिस्टेंस है पोल का और सेंटर का, बराबर है, हमारी पृथ्वी के, तो इसलिए वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ज़्यादा एक्ट करती है, मतलब वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। मतलब अगर आप इक्वेटर पर खड़े रहते हो तो आपका वज़न जो है वो कम रहेगा, अगर आप पोल पर खड़े रहते हो तो आपका वज़न जो है वो ज़्यादा रहेगा। मतलब जिन्हें भी ऐसा लगता है कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है तो इक्वेटर पर जाकर गिन लीजिए, जिन्हें भी ऐसा लगता है कि उनका वज़न बहुत कम है तो आप पोल पर जाकर गिन लीजिए। ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ऐसा होता है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़्यादा कहाँ रहेगा, तो पोल्स पर रहेगा, बराबर है? मतलब पोलवर्ड साइड में ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, इक्वेटोरियल साइड में कम ग्रेविटेशनल पुल रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है इक्वेटोरियल साइड में कम ग्रेविटेशनल पुल होता है, इसलिए ये जो लेयर है इसे कम खींचती है जो हमारी पृथ्वी है वो, पर पोलवर्ड साइड में ज़्यादा खींचती है, इसलिए जो पोल है उसके ये पास रहता है ट्रोपोपोज, और जो इक्वेटर है उसके ये दूर रहता है ट्रोपोपोज, ठीक है, ट्रोपोस्फियर दूर रहता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम ट्रोपोस्फीयर की तीन चीज़ें देख ली हमने, अब यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब ये जो है पूरा स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पर ओजोन है, बराबर है, वो ओजोन है। अब यहाँ सूरज है, सूरज से जो भी रोशनी आ रही है, जो भी किरणें आ रही है, ये कौन सी है, तो अभी अभी पैदा हुई है, छोटी है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है जो यहाँ पर आ रही है। अब इसमें से जो भी हार्मफुल रेडिएशन होते हैं ये ओजोन क्या करता है, ये खुद सोख लेता है, खुद अपने अपने अंदर समा लेता है इसे।
बराबर है। अब आपने अगर कोई भी मेटेलिक चीज़ या कोई भी चीज़ अगर आपने धूप में रखी है तो क्या होगा, तो वो गर्म हो जाएगी, बराबर है। उसी तरीके से ये जो ओजोन है वो तो पूरी की पूरी हार्मफुल रेडिएशन जो होती है सन से आने वाली वो तो अपने तरफ ले लेती है। मतलब क्या है, मतलब ये कितनी गर्म रहती होगी ओजोन लेयर, वो आप सोचिए। ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उस वजह से जो भी इंसान है अब यहाँ पर धरती पर कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है ट्रोपोस्फियर में, तो जैसा जैसा ऊपर जाएगा वैसा वैसा उसे ठंडा लगने लगेगा, बराबर है। मतलब आप सोचिए कि हिमालय की तरफ जा रहा है वो, ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, हिल स्टेशन में जा रहा है, तो उसे ठंडा लगने लगेगा। लेकिन ट्रोपोस्फियर के बाद जैसे जैसे ओजोन लेयर की तरफ जाएगा, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये स्ट्रेटोस्फियर है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा मतलब ओजोन की तरफ जा रहा है वो, ओजोन लेयर की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ओजोन लेयर की तरफ जैसा जैसा जाएगा उसे गर्म गर्म लगने लगेगा, बराबर है। क्यों पता चल गया आपको, क्योंकि ओजोन जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए वजह से जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाते हैं हमें गर्म लगने लगता है। अब यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पर क्लाउड्स भी फॉर्म होते हैं, मतलब वेदर फिनोमिना वहाँ पर होता है। वहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं वही जो ओजोन डिप्लीशन है उसके लिए कॉज करते हैं, तो वो हम जब जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें हम पूरी तरीके से वो कवर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर प्लेन्स जो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में घूमते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रोपोस्फीयर। और उसके बाद जो ओजोन रहने की वजह से वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी महफूज रह सकते हैं। मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर इंक्रीजेस एट द हाइट इंक्रीजेस, देयरफॉर वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्यों होता है वो हमने अभी देख लिया है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, स्ट्रेटोस्फीयर इज डिवाइड ऑफ एनी वेदर फिनोमिना बट देर इज सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, विंड्स वहाँ पर होती है, क्लाउड्स भी वहाँ पर फॉर्म होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयरिक क्लाउड्स वहाँ पर बोलते हैं उसे, हमारे नॉर्मल क्लाउड्स नहीं होते वो। उसके बाद तीसरा क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो एट इज कंटेन ओजोन। अब ओजोन के नीचे जो भी है, ओजोन के अंडर में जो भी रहने वाला है उसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो महफूज जगह रहने वाली है, क्योंकि ओजोन जो है पूरी हार्मफुल गैसे, हार्मफुल रेडिएशन सन के अपने उसमें ले लेता है। आप ओजोन से ऊपर जाओगे तो पूरी हार्मफुल रेडिएशन आपको लगेगी और आप हो जाएगा आपका। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, अर्थ रिसीव्स हीट एनर्जी फ्रॉम द फ्यू बेसिक सोर्सेस, विच आर दे। अब कौन कौन से बेसिक सोर्सेस है जहाँ से हीट हमें मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है अर्थ को? सोलर रेडिएशंस ओनली, सोलर रेडिएशन एंड एंडोजेनिक फोर्सेस ओनली, सोलर रेडिएशन ग्रेविटी एंड एंडोजेनिक फोर्सेस ओनली, एंड सोलर रेडिएशन एंड ग्रेविटी ओनली। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब क्या है, जो भी प्लेट जो है वो सरकते हैं इधर उधर, जो भी हमारे प्लेट्स हैं, प्लेट्स मतलब खाने के प्लेट्स नहीं, अर्थ के जो प्लेट्स हैं वो जो सरकते हैं उसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, जैसे फोल्ड्स क्रिएट होना, तो ये जो है एंडोजेनिक फोर्सेस हो गए। तो हीट कहाँ से मिलेगी, हीट वहाँ से मिलेगी जहाँ पर वर्क डन हो रहा हो, बराबर है। वर्क डन हो रहा है मतलब वहाँ पर हीट जो है रिलीज हो रही है, मतलब वहाँ पर हीट एनर्जी मिल रही है। अब जो भी एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, मतलब जो भी प्लेट्स यहाँ पर सरक रहे हैं, तो उसमें भी वहाँ पर मूवमेंट तो हो रही है, मूवमेंट हो रही है मतलब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है मतलब हीट एनर्जी निकलने वाली है, वहाँ से भी हीट एनर्जी मिलेगी। अब जो भी अर्थ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी है मतलब ग्रेविटी जो है उससे भी हीट जो है वो निकलने वाली है। अब ये जो चीज़ें हैं इसका अगर हमें डीप में जाना है तो हमें ज्योग्राफी कोर्स में पूरा देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी के कोर्स में मैं आपको डिटेल में जो भी चीज़ होती है एनिमेशन के जरिए, ये सब चीज़ों के जैसे चीज़ों के जरिए, अब ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है ट्रोपोस्फियर का क्यों कम ज़्यादा होता है, तो वो तो मैंने आपको रफली यहाँ पर बताया है, लेकिन जब मैं ज्योग्राफी कोर्स में आपको बताऊंगा तो ज्योग्राफी कोर्स में और ज़्यादा डीप में, और ज़्यादा डिटेल में, और ज़्यादा एनिमेटेड व्यू में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जवाब है वो रहेगा सी, सोलर रेडिएशंस ग्रेविटी एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस जो इस तरीके के होते हैं, जो भी प्लेट्स है वो मूव होती है, जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज होते जाता है, कॉन्टिनेंट जो है वो चेंज होते जाते हैं, मतलब वहाँ से हीट जो है वो निकलने ही वाली है। सोलर रेडिएशन से हीट मिलेगी वो तो हमें पता ही है, जो सन है वो तो हीट देने ही वाला है। तो सन से एंडोजेनिक फोर्सेस से रिलीज बाय फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग एंड फ्रॉम इट्स ओन ग्रेविटेशनल वेट, खुद का भी ग्रेविटेशनल वेट होता है उससे भी हीट जो है वो निकलने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी है मतलब हीट है। चौथा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब क्या है, इंसोलेशन मतलब हीट नहीं है यहाँ पर, इंसोलेशन मतलब कितना जो सूरज की रोशनी है, सूरज की किरणें हैं वो यहाँ तक पहुँच रही है, उसे हम इंसोलेशन बोल सकते हैं रफली हाइपोथेटिकली, तो इंसोलेशन हम उसे बोलेंगे यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन के फैक्टर्स क्या क्या है, तो अल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ द डे, सन स्पॉट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफियर। अब यहाँ पर आप डी देखो, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफियर मतलब अगर क्लाउडेड है तो वहाँ पर सन जो है वो तो ढक जाएगा, मतलब सूरज की किरणें जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी नहीं अगर क्लाउडेड एटमोसफियर है तो। मतलब क्या है, जो ट्रांसपेरेंसी है एटमोसफियर की वो यहाँ पर फैक्टर ज़रूर प्ले करेगी इंसोलेशन के लिए, मतलब ऐसा समझिए आप कि किरणें जो है सूरज की वो मेरे तक पहुंचना चाहिए, तो वो कब कब पहुंचेगी, अगर ट्रांसपेरेंसी हो, अगर क्लाउडेड एटमोसफियर ना हो तो वो तो पहुंचेगी ही मेरे तरफ।
सनस्पॉट्स। सनस्पॉट मतलब क्या होता है आपको पता होगा, वो एक फिनोमिना है, वो भी हम जब ज्योग्राफी के लेक्चर्स लेंगे उसमें अच्छे से कवर करेंगे सनस्पॉट्स क्या होते हैं। तो ये भी जो है सनस्पॉट्स वो भी फैक्टर प्ले करते हैं यहाँ पर। उसके बाद लेंथ ऑफ द डे, अगर ज़्यादा बड़ा दिन रहेगा तो ज़्यादा रोशनी मेरे तक पहुँचेगी, बराबर है, तो इसलिए लेंथ ऑफ द डे भी। अब अल्टीट्यूड, अगर मैं हिमालय पर खड़ा हूँ ठीक है, और अगर कोई एकदम नीचे ग्राउंड पर खड़ा है तो उसे क्या अलग अलग ये मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो इसका जवाब जो रहेगा वो रहेगा बी सी डी, मतलब ऑप्शन डी। अब अल्टीट्यूड क्यों फैक्टर नहीं करता है? अब यहाँ पर देखिए सूरज यहाँ पर है ठीक है। अब ये सोचिए कि ये जो है ये हाई अल्टीट्यूड पर है, इसका जो मुंह है वो खली का, ये जो है ये कम अल्टीट्यूड पर है, ग्राउंड लेवल पर है ऐसा समझिए। लेकिन सूरज की रोशनी जो है दोनों तक पहुँच ही रही है ना, बराबर है, सूरज की रोशनी दोनों तक पहुँच ही रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तक ये जो पीछे खड़ा है इस पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है, लेकिन इस पे पूरी पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो चेंज हो गया है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस तक आ रहा है, इस तक पहुँच ही नहीं रहा है वो। मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो रहेगा सूरज का वो फैक्टर प्ले करेगा, लेकिन अल्टीट्यूड जो है वो प्ले नहीं करेगा। ये कितना भी ऊपर रहे लेकिन सूरज की रोशनी उस तक पहुंचने वाली, जब तक वो सूरज के पार नहीं चला जाता, सोलर सिस्टम के बाहर नहीं चला जाता, तो तब तक उस तक सूरज की रोशनी जो है पहुंचने वाली है। अब एकदम इसे एकदम लिटरली मत लीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे कि फिर वो नेपच्यून पे तो नहीं पहुंचती ऐसा वैसा कुछ, तो वैसा कुछ नहीं है। तो जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन क्या क्या है, एंगल ऑफ सनरेज जैसा मैंने आपको फोटो से बताया, लेंथ ऑफ द डे, ज़्यादा बड़ा दिन रहेगा तो ज़्यादा मेरे तक रोशनी पहुंचेगी, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, जो भी डिस्टेंस है अगर कम डिस्टेंस है तो ज़्यादा रोशनी आएगी, ज़्यादा दूर है जैसे मैंने आपको बताया नेपच्यून में अगर मैं खड़ा हूँ तो वहाँ मुझे सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, बराबर है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ द एटमोसफियर, जो भी एटमोसफियर का इफेक्ट होता है, अगर पूरा एटमोसफियर ढका हुआ है, बादल है, ट्रांसपेरेंसी है, तो उस तरीके से अफेक्ट करेगा। उसके बाद सनस्पॉट्स, सनस्पॉट्स जहाँ सनस्पॉट्स होते हैं ज़्यादा रोशनी फेंकी जाती है, तो वो हम ज्योग्राफी लेक्चर में और कवर करेंगे। अब फिफ्थ इस पर आते हैं, अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय दी अर्थ इज कॉल्ड। अब यहाँ सन से जो भी यहाँ पर रोशनी आ रही है धरती पर, वो जो रिफ्लेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अल्बेडो, अर्थ का अल्बेडो। अगर आपने क्रिश मूवी देखी होगी, क्रिश मूवी में ये क्या करता है, इसके पास एक गैजेट होता है जिससे वो रिफ्लेक्शन होती है पूरी, जो सन रेज आती है यहाँ से मिरर पर पड़ती है और वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, तो हर जितनी मिरर्स होते हैं उन सबसे सन रेज यहाँ पर अट्रैक्ट होती जाती है, तो उसे हम जो ये मिरर्स है उसका अल्बेडो कहेंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही है ठीक है। मतलब इस तरीके से होता है, सन की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी उतना ज़्यादा अल्बेडो रहेगा, उतना आप ध्यान में रखिए, जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी उतना ज़्यादा अल्बेडो रहेगा। सबसे ज़्यादा अल्बेडो किसका रहेगा फिर? फोटो में आपको दिख रहा है स्नो का। सबसे कम किसका रहेगा? जो डार्कर ऑब्जेक्ट्स है, ब्लैक ऑब्जेक्ट है, उसका सबसे कम, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ज़्यादा कम रिफ्लेक्ट करेगा, तो कम रिफ्लेक्ट करेगा मतलब कम अल्बेडो रहेगा। तो ये अल्बेडो जो है किसका कितना है वो भी आप एक बार देख लीजिए, वो भी पूछते हैं कभी सीक्वेंस में। सिक्स पर आते हैं, विद रेफरेंस टू द हीट बजट ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हीट बजट के बारे में आपको यहाँ पर देखना है, सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड द पोल एज ट्रॉपिक्स गेट हीटेड अप एंड हाई लैटिट्यूड्स रिमेन्स परमानेंटली फ्रोजन। अब यहाँ पर हाई लैटिट्यूड्स मतलब पोलवर्ड साइड हम जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा फ्रोजन रहता है, और जो इक्वेटोरियल साइड है वो ज़्यादा हीटअप होती है, मतलब ट्रॉपिक्स जो है वो ज़्यादा हीटअप होते हैं और वो रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हीट, बराबर है ना, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे। अब जो जो ज़्यादा हीटेड हो जाएगा वो रिडिस्ट्रीब्यूट ही करेगा ना। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, लॉजिकली भी सही है। इफ़ द इनकमिंग हीट एंड आउटगोइंग हीट आर नॉट बैलेंस्ड, अब जो इनकमिंग रेडिएशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, शॉर्ट वेव होते हैं, लॉन्ग वेव होते हैं, बच्चे होते हैं जो आने वाले हैं सूरज की किरणें, तो वो शॉर्ट वेव होते हैं, शॉर्ट वेव, और जो ऊपर जाने वाले हैं मतलब जो अर्थ रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कौन से होते हैं, तो वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन अगर वो बैलेंस नहीं होते हैं देन द अर्थ वुड बी गेटिंग आइदर ग्रेजुअली वार्मर और कूलर। मैंने आपको पहले इसमें बताया, पहले क्वेश्चन में ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया था, बराबर है, तो इसलिए फिर से मैं यहाँ पर क्लियर नहीं करूँगा। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, बोथ वन एंड टू। तो यहाँ पर आप जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सेवन्थ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, जो भी प्लेस का टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दिल्ली का टेम्परेचर या फिर मुंबई का टेम्परेचर, कोई भी एक प्लेस का जो टेम्परेचर है वो क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, चेन्नई का टेम्परेचर ठीक है। तो यहाँ पर लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, जो लैटिट्यूड रहेगा या फिर अल्टीट्यूड रहेगा वो, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, नेचर ऑफ द लैंड एंड वाटर, प्रिवेलिंग विंड्स, तो कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेगी,
पहला जो है लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, मतलब कोई प्लेस अगर इक्वेटर पर है या फिर कोई प्लेस अगर यूके में है, तो ऑब्वियस है कि वो जो चीज़ है वो टेम्परेचर उसका तो रहेगा, इक्वेटर पे रहेगी वो ज़्यादा गर्म रहेगी और यूके में जो रहेगी वो कम गर्म रहेगी। तो इस तरीके से लैटिट्यूड तो अफेक्ट करता है। अल्टीट्यूड मतलब क्या है, अगर कोई इंसान ग्राउंड पर है, अगर कोई इंसान हिमालय पर बैठा हुआ है तो हिमालय पर जो बैठा हुआ है उसे कम गर्म लगेगा, उसे ठंडा लगेगा, और जो ग्राउंड पर बैठा हुआ है उसे उसे ज़्यादा गर्म लगेगा। तो इसलिए अल्टीट्यूड जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को, आइस इंसुलेशन को इफेक्ट नहीं करता है अल्टीट्यूड, ये आप ध्यान में रखिएगा। खाली का चेहरा याद रखिएगा आप इंसुलेशन के टाइम पे, लेकिन टेम्परेचर के टाइम पे आप ध्यान में रखिए कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बराबर है। अब वो क्यों होता है वो भी एक फिनोमिना है, क्योंकि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं अर्थ पर आने वाले, वो धीरे धीरे, जब लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होते हैं अर्थ से रिफ्लेक्ट होने वाले वो ज़्यादा गर्म होते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडे होते जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ग्राउंड पर रहेगा वो ज़्यादा गर्म रहेगा और ऊपर जो रहेगा वो कम गर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो कम गर्म है, बराबर है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होती जाएगी। तो ये एक फिनोमिना है, वो भी हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे ये सब। तो अल्टीट्यूड लैटिट्यूड दोनों अफेक्ट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तीसरा हम देखते हैं नेचर ऑफ द लैंड एंड वाटर, नेचर किस तरीके का है लैंड एंड वाटर का, वो तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, अगर वाटर ज़्यादा है तो वहाँ पर कम गर्म होगा, बराबर है। अब चौथा आता है प्रिवेलिंग विंड्स, विंड जो है अगर ज़्यादा बहाव है विंड्स का तो ऑब्वियसली ठंडी चीज़ें बहाव में लेकर चली जाएगी, या फिर जहाँ से गर्म चीज़ें हैं वो ज़्यादा बहाव में लेकर चली जाएंगी, ठंडी चीज़ें लेकर आ जाएगी, जैसे हम कूलर लगाते हैं तो वो विंड जो है वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज करता है, तो इसलिए इन्फ्लुएंस करेगा। अब ये जो है दूसरा ऑप्शन देखिए, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, सन से अर्थ का डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि जो चेन्नई है वो अर्थ के ज़्यादा पास हो, तमिलनाडु जो है वो सन के ज़्यादा पास हो, चेन्नई सन के इतना पास हो, ऑब्वियसली जितनी भी प्लेसेस है वो तो अर्थ पर ही रहने वाली है, बराबर है, जितनी भी प्लेसेस है वो अर्थ पर ही रहे, तमिलनाडु भी अर्थ पर है, चेन्नई भी अर्थ पर है, और अर्थ जो है वो तो सेम डिस्टेंस पर रहने वाली है सन के, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन है वो अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन आएगा D 1, 3 एंड 4, इंसुलेशन में अफेक्ट करेगा डिस्टेंस जो रहेगा वो, लेकिन जो टेम्परेचर रहेगा इन्फ्लुएंस टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, यहाँ पर प्लेस का पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर तमिलनाडु जो है वो बाहर निकल के यहाँ पर नहीं रहने वाला है, इसलिए डिस्टेंस जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सब जितनी प्लेसेस है वो इक्वी डिस्टेंस रहने वाले हैं सन से, क्योंकि अर्थ जो है वो वही अर्थ पर ही सब सारे के सारे प्लेसेस है। विच ऑफ द रीजन्स फॉर डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, कौन कौन से रीजंस है डिफरेंशियल हीटिंग जो होता है लैंड एंड वाटर का, मतलब लैंड जो है, लैंड का क्या फिनोमिना है, वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, बराबर है, मतलब जैसे परेश रावल ने बोला था कि जितने जल्दी गुस्सा आता है उतने जल्दी ठंडा भी हो जाता है, उसी तरीके से अर्थ का है। लेकिन सी का कैसा है, लेट गर्म होता है, पानी क्या होता है, पानी लेट गर्म होता है लेकिन लेट ठंडा भी होता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मच ग्रेटर देन द लैंड, एब्सोल्यूटली राइट, स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की बहुत ज़्यादा है लैंड से। दूसरा आता है ओशनिक एरियाज जनरली क्लाउडेड एंड हेंस दे रिसीव लेस इंसुलेशन देन द लैंड सर्फेस। अब हमने इक्वेटोरियल साइड का देखा है, इक्वेटर साइड में हमने वो जो जो हमने एनिमेशन देखा था उससे हमने देखा था कि ज़्यादा हीट आ रही है वहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादा इवेपरेशन होगा, जो भी ओशंस रहेगा उसका ज़्यादा इवेपरेशन होगा। इवेपरेशन होगा मतलब क्या है कि ऊपर क्लाउड्स फॉर्म होंगे, कंडेंसेशन से क्लाउड्स फॉर्म होंगे, तो उस वजह से कम इंसुलेशन मिलेगा, कम वहाँ पर हीट जो है वो कम सोलर रेडिएशन पड़ेंगे, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही आता है। तीसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम द ओशनिक वाटर सर्फेस इज़ फार मोर देन फ्रॉम द लैंड। रिफ्लेक्शन जो होते हैं, अब यहाँ पर अल्बेडो इफेक्ट हम देख सकते हैं, अल्बेडो इफेक्ट जो धरती है उसका ज़्यादा रहेगा या पानी का ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली अल्बेडो इफेक्ट पानी का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा पानी, और जो है ज़्यादा इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है जितना पानी कर सकता है, बराबर है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा आता है ओपेसिटी ऑफ लैंड इज़ हाई वेन कम्पेयर टू वाटर, ओपेसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है, बराबर है, पानी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए इसका चारों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है, डिफरेंशियल हीटिंग किस किस वजह से होती है, तो ओपेसिटी ऑफ लैंड, ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, मोबिलिटी ऑफ वाटर, मोर इवेपोरेशन फ्रॉम द सीज, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, रिफ्लेक्शन, अल्बेडो इफेक्ट जो हमने देखा था वाटर का, क्लाउड्स और ओशंस, तो ये सब चीज़ें जो है वो डिफरेंशियल हीटिंग करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशंस फॉर द ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। अब ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ये भी एक फिनोमिना है,
ये हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स लेंगे, तब हम डिटेल में देखेंगे। तो आप ज़रूर बताइए मैं ज्योग्राफी के लेक्चर जो है वो लूँ या नहीं लूँ, आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है जो भी चीज़ें हैं, इसलिए आपका सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है। तो सपोर्ट मतलब आपको जितने ज़्यादा हो सके वीडियो जो है वो शेयर करने पड़ेंगे। हाँ, जो आप कर भी रहे हो बहुत अच्छे शेयर कर रहे हो आप, इतने कम समय में हमारी इतनी बड़ी फैमिली जो है वो बन चुकी है। तो इसमें हमें क्या करना है, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, तो ये भी एक फिनोमिना होता है। जैसे कि ये क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो भी एयर है, ठीक है, नॉर्मली जो एयर है जैसे से ऊपर जाएंगे एयर जो है वो ठंडी मिलेगी हमें, बराबर है। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है कि यहाँ पर नीचे की जो लेयर है ये ठंडी है, ऊपर की लेयर इस कंपेरेटिवली गर्म है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर ठंडी मिलेगी हमें, यहाँ गर्म मिलेगी, यहाँ उससे कम गर्म मिलेगी, यहाँ उससे कम गर्म मिलेगी, यहाँ ठंडी मिलेगी, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में यहाँ ठंडी मिलेगी, यहाँ गर्म मिलेगी, तो इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। तो वो क्यों होता है, वो हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स में डिटेल में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। लेकिन लॉन्ग विंटर नाइट जब होती है, तो विंटर नाइट में क्या होता है, जो भी दोपहर में, ठीक है, दोपहर में जितना गर्म होना है एटमोसफेयर को गर्म हो जाएगा, यहाँ पर गर्म हवा जो है गर्म हवा रहेगी, लेकिन जब रात हो जाएगी तो विंटर रहेगा वहाँ पे। विंटर रहेगा मतलब ज़्यादा ठंडी रहेगी, ज़्यादा ठंडी रहेगी मतलब क्या है, जो ग्राउंड है ग्राउंड ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ये ठंडा हो गया ग्राउंड, लेकिन इसके ऊपर की लेयर जो है अभी तक ठंडी होने की है, इसलिए यहाँ पर हमें गर्म हवा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड। तो ये इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ये तो मैंने आपको एकदम रफली बताया है, एकदम ही रफली, इससे और अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन वो हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स में देखेंगे। तो इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। फिर वैलीज होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर हम टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो लॉन्ग विंटर नाइट्स ये मैंने अभी आपको बता दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ विंड, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड सर्फेस। अब मॉइस्ट एयर अगर रहेगी तो यहाँ पर ये तो पूरा तबाह हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा। और प्रेजेंस ऑफ विंड, अगर विंड रहेगी तो विंड तो इसे पूरा भगा कर लेके चली जाएगी, मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। टेम्परेचर इन्वर्जन कब मिलेगा, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई रहना चाहिए, और विंड जो है वो नहीं रहना चाहिए, और ड्राई एयर रहना चाहिए नियर द ग्राउंड सरफेस, तब हमें टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, 1 एंड 3 ओनली, मतलब ऑप्शन रहेगा इसका C 1 एंड 3। तो सरफेस इन्वर्जन जो है लॉन्ग विंटर नाइट्स लगेंगे, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई लगेगा, इसलिए 1 एंड 3 सही सही है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ विंड और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर जो है वो ख़राब कर देते हैं इन्वर्जन को। 10th आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, विथ रिस्पेक्ट टू द फॉग्स। अब फॉग के बारे में आपको यहाँ पर सही स्टेटमेंट जो है पहचाना है। फॉग मतलब क्या होता है, फॉग मतलब है कि जो भी कंडेंस हो रही है वाटर वेपर किसी पत्तों पर या फिर डस्ट पार्टिकल पर, उसे हम कहते हैं फॉग। हमें कब देखने को मिलता है फॉग, ठंड काले में देखने को मिलता है, सुबह सुबह, बराबर है। हम उसे कोहरा भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसे हम कोहरा कहते हैं, उसे हम फॉग कहते हैं। क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, लॉन्ग विंटर नाइट में जो ग्राउंड सरफेस है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वो ज़्यादा ठंडा हो गया मतलब जो एयर है उसे ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, वहीं पे कंडेंस हो रही है क्योंकि वहीं पे उसे ठंडा मिल रहा है, बराबर है। मतलब जो ऊपर जाके जो एयर है, ठीक है, जो नॉर्मली इसमें जो एयर है वो ऊपर जाकर कंडेंस होकर ऊपर क्लाउड्स बनाती है, वो यहीं उसे जो ऊपर उसे एटमॉस्फेयर मिल रहा है ठंडा होने के लिए, कंडेंस होने के लिए, लेकिन उसे ग्राउंड में ही वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है, इसलिए यहीं पर कंडेंस होकर वो यहीं पर क्लाउड जैसा बना रही है, उसे हम फॉग कहते हैं। तो यहाँ पर फॉग बना रही है वो किसी भी डस्ट पार्टिकल पर, पत्तों पर कंडेंस होकर वो फॉग दिखता है हमें, धुक्का दिखता है। तो ड्यू टू इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जैसा मैंने आपको बताया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यही है कि उसे जो ऊपर वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है वो नीचे ही मिल रहा है, ग्राउंड सरफेस में ही उसे ठंडा मिल रहा है, बराबर है, तो यहीं पे कंडेंस हो रही है वो। तो टेम्परेचर लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद द फॉग फॉर्मेशन रिजल्ट इन द रिसेंट अर्बन प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग। अब यहाँ पर डस्ट पार्टिकल जो है मिक्स हो जाते हैं फॉग में, डस्ट पार्टिकल मिक्स होने की वजह से क्या होगा, आपका जो विजन है पूरी तरीके से चला जाएगा। अब रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसमें फॉग की वजह से वो जो स्मॉग हुआ था, स्मॉग की वजह से इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि सामने को कुछ दिख ही नहीं रहा था, गाड़ियाँ एक को एक टकरा रही थी जो फोर व्हीलर्स थी वो हाईवे पर, तो इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो अर्बन प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट होता है यहाँ पर जब डस्ट पार्टिकल फॉग में मिक्स होते हैं, उसे हम स्मॉग कहते हैं, जो हार्मफुल होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ इन्वर्जन इन द मॉर्निंग ऑफ समर सीजन इन द लो लैटिट्यूड डेज फॉग्स आर कॉमन फिनोमिना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है समर सीजन। अब देखिए जो भी मतलब साउथ में, जो लोग भी साउथ में रहते हैं, ठीक है, जो भी साउथ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें मैं बताऊं कि नॉर्थ में एक ऐसा एक फिनोमिना है एक क्लाइमेट नाम का, ऑन ऑन लाइटर नोट, तो मतलब क्या है, साउथ में हमें समर सीजन
ही मोस्टली देखने को मिलता है, बराबर है। वहाँ पर दो ही टाइप के क्लाइमेट होते हैं, दो ही टाइप के सीज़न होते हैं साउथ में, एक होता है हॉट और दूसरा होता है वेरी हॉट। तो ये दो ही तरह के हमें चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन हम नॉर्थवर्ड साइड में जाएंगे तो वहाँ पर हमें मानसून भी देखने को मिलता है, गर्मी भी देखने को मिलती है और ठंडी भी देखने को मिलती है। तो ठंडकाले में मोस्टली विंटर सीज़न में हमें ये जो फिनोमिना है इन्वर्जन का वो देखने को मिलता है। विंटर सीज़न हमें साउथ में देखने को ही नहीं मिलता है, बराबर है। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ऑकरेंस ऑफ इन्वर्जन इन द मॉर्निंग ऑफ समर सीज़न, अब समर सीज़न में क्यों होगा? समर सीज़न में तो ग्राउंड जो है वो गर्म ही रहेगा, इन्वर्जन क्रिएट होने वाला नहीं है। इन्वर्जन क्रिएट कब होता है? विंटर सीज़न में होता है, इसलिए यहाँ पर विंटर सीज़न चाहिए। तीसरा ऑप्शन आता है, इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स टिल द सन कम्स अप इन दी लो लैटिट्यूड्स। अब सन आ जाएगा तो जो भी फॉग वहाँ पर क्रिएट हुआ है उसे वो इवेपोरेट कर लेगा, मतलब फॉग जो है वहाँ से चला जाएगा, इसलिए हमें कोहरा जो है वो सूरज के आने से पहले देखने को मिलता है, बराबर है। तो इसलिए इसका जवाब क्या रहेगा? सी, 1 एंड 3 ओनली। तो यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं जो कोर्सेस है ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, जो भी इकोलॉजी के, बायोडाइवर्सिटी के, जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ आपके सामने। तो मैं लाऊँ या नहीं लाऊँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपकी क्वेरीज आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।